どうも。<music> आज के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है हमारे वक्ता है श्रीमान केशव मुरारी प्रभु जी प्रभु जी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है सन उन्नीस में, में वे अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस के संपर्क में आए तथा सन 2004 में प्रभु जी ने इस के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के वरिष्ठ शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से दीक्षा प्राप्त की तथा सन 2005 में भगवान नाम का प्रचार करने हेतु उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर ब्रह्मचर्य आश्रम स्वीकार किया प्रभु जी इस कॉन रोहिणी के अध्यक्ष हैं और नॉर्थ इंडियन डिविजनल काउंसिल के वाइस चेयरमैन हैं। साथ ही इंडियन कॉन्टिनेंटल कमिटी आईसीसी के सेक्रेटरी हैं और इस कॉन इंडिया एडवाइजरी कमेटी के सदस्य भी हैं प्रभु जी विभिन्न स्थानों पर जैसे स्कूल कॉलेजों ऑफिस व कॉरपोरेट्स में भगवत गीता के अनुसार एक सुखी व संतुष्ट जीवन जीने हेतु लोगों का मार्गदर्शन भी करते हैं तो आइए श्रवण करते हैं भगवान की मधुर लीलाओं को एक अत्यंत ही समर्पित भक्त श्रीमान केशव मुरारी प्रभु जी के श्रीमुख से धन्यवाद हरे कृष्णा ज्ञाति मीरांध से ज्ञानंजनशिला क्या चक्षुन्मील ये नस्मेंौरव नम नमो विष्णु पदा कृष्णपृष्ठा भूतले श्रीमते भक्ति सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम हरे 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 कृष्णा तो आप सभी भक्तों का एक बार फिर से स्वागत है हम लोग कथा कर रहे हैं भगवान के मुख्य दस अवतारों के विषय में पहली कुछ क्लास में हम लोगों ने बात की कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं और किस किस परिस्थितियों में लेते हैं और फिर अवतार लेता कौन है भगवान कृष्ण या विष्णु तो हम लोग जाना कि वास्तव में परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ही सभी अवतारों के स्रोत हैं और वही अपने विशेष अवतारों के द्वारा कभी पुरुष अवतार मनवंतर अवतार युग अवतार शक्तवेश अवतार गुण अवतार इस प्रकार इन अवतारों को लेकर पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं तो हम लोग उन मुख्य दस अवतारों की चर्चा करेंगे जो जयदेव गोस्वामी जी के द्वारा बताया गया है उन्होंने भगवान के इन अवतारों को जैसे मत्स्य अवतार फिर कूर्मा अवतार उसके बाद वरहा अवतार फिर नरसिंह अवतार और फिर भगवान का वामन अवतार और उसके बाद अन्य अवतारों की चर्चा की जिसमें हम देखते हैं कि इन अवतारों में किस किस प्रकार की योनि में भगवान अवतार ले रहे हैं और कैसे प्रोग्रेसिवली आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं फिश अर्थात मीन मत्स्य फिर कूर्म के रूप में पूरे शरीर के अंग बढ़ गए और उसके बाद वराह के रूप में भी आए और नरसिंह के रूप में जिसमें आधा शरीर भगवान का सिंह कथा और आधा मनुष्य का तो इस प्रकार भगवान के इन विभिन्न अवतारों के पीछे क्या प्रयोजन रहता है इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे परीक्षित महाराज के द्वारा सुखदेव गोस्वामी से आठवें स्क में सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया था जब उन्होंने ये कथा सुनी थी कि, कि किस प्रकार वामन अवतार में भगवान ने अपना विस्तार कर कर पूरे संसार को ऊपर के लोक और नीचे के लोगों को दो कदमों में ही नाप डाला तो भगवान की इस लीला का श्रवण कर कर उन्होंने ये प्रश्न किया कि भगवान का एक ऐसा अवतार और भी था जिसे मत्स्य अवतार कहते हैं मुझे कुछ उसके विषय में बताइए तो इसके बारे में पूछने का प्रयास किया और फिर इस अवतार में उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों है कि भगवान ने मत्स्य का अवतार लिया और ये तो एक ऐसा घृणित पशु जीवन है भगवान तो साक्षातरी पूरे संसार को चलाने वाले हैं उनको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि जिसमें भगवान ने जो है ऐसा अवतार लिया तो उन्होंने और प्रश्न किए कि मछली का रूप क्यों स्वीकार किया ये तो बड़ा ग्रहित और घोर पीड़ा देने वाला है ये जीवन तो मछली का और भगवान के ऐसे अवतार का उद्देश्य क्या था और फिर कृपया करके मुझे बताएं क्योंकि उत्तम श्लोक चरितम सर्वलोका का सुखावहम परीक्षित महाराज ने कहा क्योंकि भगवान जो उत्तम श्लोक है उनका जो चरित्र का गुणगान सुनना जो है वो क्या है सर्वलो का पूरे संसार का जो है को आनंद देने वाला है तो आप भी इन जिज्ञासाओं का समाधान करें यह सुनने के इस जिज्ञासाओं को सुनने के बाद परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी जी भागवतम के आठवें स्कंद के चौबीसवें अध्याय में उत्तर देते हैं कि गोवि गो विसुरा साधुना छंद मपि चेतवरा रक्षा मिच्छास तुम धुरते धर्मस्थान अर्थ सचे वही वो कहते हैं कि गायों ब्राह्मणों देवताओं भक्तों वैदिक साहित्यों और धार्मिक सिद्धांतों तथा तो जीवन को पूरा करने वाले ऐसे नियमों की रक्षा करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं तो इस श्लोक के द्वारा सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को बताया कि भगवान के का क्यों, क्यों क्यों क्या प्रयोजन है जो वो अवतरित होते हैं तो हम देखते हैं जब जब इससे पहले भी और इसके बाद भी जितने भी भगवान के अवतार हुए वो कहीं ना कहीं भगवान गायों ब्राह्मणों देवताओं भक्तों वैदिक साहित्यों धार्मिक सिद्धांतों तथा तो तो जीवन के उद्देश्य पूरे करने वाले जितने भी नियम हैं उनकी रक्षा करने के लिए आते हैं ये भगवान का मुख्य प्रयोजन रहता है और फिर यूँ भी कहें जैसे साधुओं की बात हुई तो उसके लिए तो भगवान स्वयं घोषणा करते हैं परित्राणा या साधु नाम विनाश चाहु दुष्कृम दुष्कृति के लोगों का वध करने के लिए और इन सब की रक्षा करने के लिए तो हम देखते हैं जब जब धर्म की हानि होती है जब असुरों का बोलबाला होता है तो सबसे पहले वो गायों यज्ञों ब्राह्मणों साधुओं वेदों इन सब पर आक्रमण करते हैं क्योंकि भगवान के प्राण इन सब में बसे हैं भगवान को ये बहुत प्रिय है यहाँ तक कि सप्तम स्कंद में भी भगवान ये कहते हैं जिसमें वो कहते हैं गोशु विप्रशु साधु इन सब की रक्षा करने के लिए मैं आता हूँ अगर कोई व्यक्ति इन साधुओं को गायों को ब्राह्मणों को तंग करता है उनके ऊपर लाछन लगाता है तो ऐसे लोगों का मैं पूरा का पूरा कुल विनाश कर देता हूँ इतिहास गवाह है हम देखते हैं भारत में या भारत के बाहर भी बहुत से ऐसे लोग हुए बहुत से ऐसी जातियाँ हुई कबीले हुए बहुत से ऐसे धर्म हुए जिन्होंने वैदिक साहित्यों की जो है आलोचना करी या उनको उनको ख़त्म किया या फिर ब्राह्मणों को या साधुओं को प्रताड़ित किया विग्रहों को तोड़ा और धर्म को जो है पूरी तरह से खराब करने का प्रयास किया ऐसे लोग आज कहाँ हैं क्या उनकी जाति हैं क्या उनके कुल हैं सबके सब समाप्त हो गए भगवान को ऐसे निकृष्ट लोगों को मारने के लिए कलयुग में तो अवतार भी नहीं लेना पड़ता वो तो अपनी शक्ति के द्वारा ही लोगों को माध्यम बनाकर परिस्थितियां ऐसी क्रिएट कर देते हैं जिससे कि उनका संहार हो जाता है तो हम देखते हैं भगवान इन सबकी रक्षा के लिए आते हैं और इस तरह से प्रक्षित महाराज के बाद समझाने के बाद तो फिर उन्होंने कहा कि भगवान कभी कभी मनुष्य रूप में और कभी कभी निम्न पशुओं के रूप में भी प्रकट होते हैं किंतु वे विभिन्न प्रकार के वायुमंडल में गुजरने वाली हवा की तरह इस संसार से सदैव परे रहते हैं तो ये क्नोलॉजी शुभ गोस्वामी ये दे रहे हैं कि जिस प्रकार हवा हा, जो है किसी के साथ छूती नहीं वो सदैव इस वायुमंडल से ऊपर बहती है और उसके किसी के प्रभाव में नहीं आती उसी प्रकार भगवान भी चाहे वो मनुष्य की योनि में आए पशु की योनि में या फिर मीन अर्थात मछली जैसे अवतार में भी आए तो वो इन सब से प्रभावित नहीं होते वो तो अपना प्रयोजन पूरा करते हैं भक्तों की रक्षा करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं तो इसलिए उन्होंने कहा परीक्षित पिछले कल्प में जो है जैसे अभी ये व्यवस्थित मनु चल रहा है बताते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में जो हैं चौदह मनु होते हैं ये हमने कई बार सुना होगा चौदह मनु होते हैं और ये चौदह मनु जो हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में चौदह होते हैं इसमें बताया जाता है अब सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं परीक्षित महाराज को कि जो पहला स्वयंभू मनु के नाम से जो पहला मनु था तो उस समय एक बार ब्रह्मा जी को एक झपकी आ गई और उस झपकी के कारण ब्रह्मा जी जैसे सोए तो समुद्र इत्यादि बढ़ने लगे क्योंकि उनको लगा कि अब तो फरले का समय हो गया लेकिन दिन के टाइम क्योंकि झपकी आई थी तो ऐसे में क्या हुआ हाईग्रीव नाम का एक असुर दैत्य उसने ब्रह्मा जी के सारे वेद चुरा लिए और चुरा के रसातल में छुपा दिए तो ऐसे में भगवान जब उनकी पुकार पर अवतरित हुए क्योंकि असुरों का काम ही ये है वो वेद को ज्ञान को धर्म को हमेशा खत्म करना चाहते हैं क्योंकि उनका असुरों का और दैत्यों का एक ही दुश्मन है वह भगवान और उनके भक्त तो ये ऐसी मानसिकता है तो उन्होंने तुरंत ऐसे अपॉर्चुनिटी देखी और उन्होंने क्या किया उन वेदों को चुरा लिया और भगवान ने उनका वध कर कर ब्रह्मा जी को वो सारे वेद वापस दे दिए ऐसे ही पद्म पुराण में भी एक कथा आती है जहाँ पर यह बताया जाता है कि समुद्र के जो पुत्र थे शंखा शंखासुर उसने भी एक बार इसी प्रकार ब्रह्मा जी के सारे वेद चुरा लिए और वेदों को चुराने के बाद उसने जाके छुपा दिए ब्रह्मा जी फिर भगवान के पास गए भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने जो है मत्स्य अवतार लिया और इस प्रकार उसका असुर को मारा और ब्रह्मा जी को जो वेद थे उन वेदों को कुछ ऋषियों को दे दिया बद्रीवन में और कहा कि आप इनको यहाँ से वे खोज के लाए उसको निकालिए तो जिन जिन ऋषियों ने उन वेदों की जो जो ऋचाएँ और वेद मंत्रों को जो जो प्रकट किया निकाला वो लोग उन्हीं के अधिष्ठा बन गए वो उन्हीं के जो हैं प्रमुख ऋषि बन गए उन वेदों के उसके और फिर एक कथा पद्म पुराण में ऐसे भी आती है कि जिसमें दिति के जो कश्यप के और दिति के जो पुत्र थे उसमें जम्ब थे मय नाम के थे और हाईग्रीव नाम के थे हिरणाक्ष और नाम के पुत्र थे उनमें से जो हाईग्रीव थे वो भी एक बार ब्रह्मचर्य जी को चकमा देकर फिर वेद चुरा ले गए थे और फिर भगवान ने उसका वध कर कर फिर से वेद ब्रह्मा जी को दिए थे क्योंकि जब समाज के अंदर वेद अर्थात ज्ञान ही समाप्त हो जाएगा तो सब अंधकार हो जाएगा और अंधकार में लोग पशु की भांति जीते हैं मनुष्य भी विकर्मों में लग जाते हैं आहार निद्रा भय मैथुन में और जीवन का लक्ष्य भूल जाते हैं और इसकी वजह से उनको बार बार पुनरअपि जननम पुनर इन सब यातनाओं को सहना पड़ता है क्योंकि ज्ञान नहीं है आज के समाज में भी देखें जहाँ पर वैदिक ज्ञान नहीं है धार्मिक ज्ञान नहीं है कुछ सब लोग कहीं ना कहीं पशुवत जीवन ही जी रहे हैं उनका जीवन का लक्ष्य है पर पैसा कमा लें उससे हम अच्छा आहार निद्रा भय और मैथुन कर लें और बस खा पाई कर इंजॉय कर कर एक दिन मर जाए तो ये है अज्ञानता जहाँ पर ज्ञान नहीं वहाँ अज्ञानता है और ऐसे लोग आश्री प्रवृत्ति के द्वारा लोग उसे धन छीनते हैं टैक्स बचाते हैं नाना प्रकार के पाप कर्मों में लग जाते हैं और इसकी वजह से क्या होता है अधर्म बढ़ता जाता है और ऐसे लोग नरकों की तरफ जाते हैं तो असुरों के द्वारा वेदों को चुराया जाना या वेदों को छुपाया जाना इसका उद्देश्य ये है ताकि संसार के लोग दुर्गति में जाए और मर जाए तो ये तो जो बात सुखदेव गोस्वामी जी ने की तो पहली बात की कि पहले मनमंत्र, अर्थात स्वयं मनु में ये बात हुई थी उसके बाद चार पांच जब और मनवंतर बीत गए तो छठे मनवंतर की चाक्षुषा मनवंतर की उन्होंने बात की उससे पहले कई मनवंतर हैं जैसे हमने कहा चौदह मनवंतर हैं तो सबसे पहले है स्वयंभू मनु फिर है शिरा च मनु उत्तम मनु तामस मनु रेवत मनु चक्षुषा मनु वैवत्सु मनु सावर्णी दक्ष सावर्णी फिर ब्रह्म सावर्णी देव सावर्णी धर्म सावर्णी रुद्र सावर्णी ये सारे के सारे जो मनु हैं ये चौदह मनु हैं जो अलग अलग उसमें आते हैं और फिर अब सुखदेव गोस्वामी छठे चक्षुषा मनवंतर की अंत के समय जब वो उसकी कथा सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि किस प्रकार ब्रह्मा जी जो हैं उसमें उनको भी निद्रा का आभास हुआ जैसी निद्रा की तरफ गए तो क्या हुआ ग्री नाम के असुर ने इन सारे वेदों को चुरा लिया और जाके छिपा दिया तो इस प्रकार जी कथा आगे बढ़ती है और फिर ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होने पर ब्रह्मा को नींद आने लगी और वो लेटने की इच्छा करने लगी तभी उनके मुख से वेद निकल गए और हाइग्रीव नामक असुर ने उन वेदों को चुरा लिया वेदों के बचाने के लिए भगवान जो हैं मछली का रूप धारण कर कर उनको आवश्यक हो गया क्योंकि अगर जल मग्न है जल के अंदर छुपाए हैं तो वहां से निकालने के लिए मछली जैसा रूप लेना पड़ेगा ऐसा बताते हैं तो बताते हैं चक्षुष मनवंतर में सत्यव्रत नाम का एक बहुत ही सज्जन धार्मिक नाम का बड़ा भक्त महान भक्त हुआ जो केवल जलपान कर, कर ही अपनी जीवन को जीता था और तपस्या कर कर भगवान का एक अच्छा भक्त बन चुका था और बताते हैं कि ये राजा जो हैं वास्तव में ये जो चाक्षुषा मनमंत्र है अभी दिन के समय ऐसा ही घटना घटी थी अन्यथा लंबे समय तक जब रात रहती है ब्रह्मा जी की उस समय सारी चीज़ें सो जाती हैं सब समाप्त हो जाता है लेकिन दिन के समय उनको झपकी आई थी संध्या समय तो और तब चुरा लिए गए थे सारे वेदास तो भगवान को मत्स्य अवतार धारण करके आना पड़ा तो उसमें बताते हैं कि एक बार जब सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान करने गए आसमन इत्यादि करने गए अपनी गायत्री इत्यादि करने गए कि तभी उनकी अंजली में एक छोटी सी मछली उनके हाथ में आ गई और उन्होंने उस मछली को जो है तुरंत पानी में डाल दिया और वो मछली चिल्लाने लगी कि हे राजन मेरी रक्षा करो मैं बहुत भयभीत हूँ मुझे जो है यहाँ से निकालो मुझे यहाँ पर दूसरी बड़ी मछलियाँ खा जाएंगे राजन ऐसा बोल कर ऐसा बोला तो राजन ने जब उस मछली को हाथ में लिया तो उनको लगा कि इसकी मुझे रक्षा करनी चाहिए तो उन्होंने अपने कमंडलू में पानी के साथ उस मछली को डाल दिया घर पर आकर रात्रि में सो गए सुबह क्या देखते हैं कि ये मछली ने बड़ा आकार कर लिया और मछली अब उस कमंडल में फंस गई है उसने फिर राजा को कहा हे राजन मेरी इस मैं यहां पर हिलडुल नहीं पा रही हूं मेरी रक्षा कीजिए मुझे यहां से बाहर निकालिए और मुझे किसी बड़े जलचर में रखिए तो इस प्रकार राजन को दया आ गई कि ठीक है बिल्कुल बात सही है इनका आकार बढ़ गया लेकिन अचंभित थे कि रात रात में इतनी कैसे बढ़ गई और फिर क्या हुआ राजन ने उसको उठा के एक बड़े पॉट में उनको डाल दिया इस प्रकार मछली का जल पात्र जो है कम पड़ने की वजह से अब वो समस्या क्या हुई कि फिर से वो बढ़ गई अब ये बार बार बढ़ती जा रही थी और उसका स्थान चेंज करता जा रहे थे राजन फिर उसको कुएं में डाल दिया गया लेकिन वहाँ पर भी वो इतनी बड़ी हो गई कि उसको दिक्कत होने लगी तो उसको एक बड़ी झील में एक बड़े तालाब में डाल दिया गया तालाब में भी वो इतनी कुछ एक ही कुछ ही क्षणों में इतनी बड़ी हो गई कि राजन सत्यव्रत जो हैं उसको देख अचंभित हो गए वैसे हम देख सकते हैं कि मछली यहाँ पर स्वयं भगवान है और बढ़ती जा रही है तो ये हमारे जैसे भौतिक संसार में हमारी भी इच्छाएँ बढ़ती जाती हैं हम कहते हैं दिल मांगे मोह और हमारे को लगता है कि कम है मुझे और चाहिए मुझे और चाहिए और भगवान से प्रार्थना करते हैं देवताओं से प्रार्थना करते हैं और अधिक काम करते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं यहाँ पर भगवान भी अपना आकार बढ़ा रहे हैं और इच्छा कर रहे हैं कि मुझे बड़ा जलचर मिले और मुझे स्थान दे तो कहीं ना कहीं मछली रिप्रेजेंट करती है मन को हमारा मन भी इसी प्रकार विचलित रहता है लेकिन भक्तों का जो भगवान के भक्त हैं अगर उनका मन पूरी तरह से भगवान में लगा है भगवान के बारे में श्रवण करना उनका स्मरण करना और आध्यात्मिक इच्छा बनाते हैं तो भक्तों को भी इस मन को इसी प्रकार जिस प्रकार की ये मछली मत् से दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और बड़ा जो है आकार कर रही है और बड़ा जल जलाशय मांग रही है उसी तरह भगवान के भक्तों को भी कभी भक्ति में जो है सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए उन्हें चाहिए अगर वो दो माला करते हैं तो छः करें छः करते हैं तो दस करें दस करते हैं सोलह तो माला करें और अगर सोलह करते हैं दीक्षा ले ली है तो उसके बाद वो उससे अधिक माला करें और ये प्यास बूझने नहीं चाहिए इसी प्रकार जब वो ग्रंथ पढ़ते हैं तो ग्रंथों को पढ़ते हुए भी टाइम नहीं देखना चाहिए उन्हें चाहिए कि और पढ़ें और पढ़ें और इस प्रकार अपना ज्ञानवर्धन करें क्योंकि जितना समय भगवान की भक्ति कर रहे हैं उतना समय को ज्ञान प्राप्त हो रहा है भगवान का संग कर रहे हैं अगर वो श्रवण कर रहे हैं कथा श्रवण कर रहे हैं जैसे टीवी के माध्यम से आप सब लोग करते हैं एक हजार टी वी चैनल्स में केवल एक ही ऐसा चैनल है जो पूर्णतः पवित्र कृष्ण भावनामित देता है लेकिन इसको कह सकते हैं बहुत बहुत लोगों में हजारों लोगों में कोई एक विरला ही इस टीवी की खोज कर पा रहे हैं आजकल और आसानी से देख पा रहे हैं लेकिन जिन लोगों को पता चल गया है कि हरे कृष्ण टेलीविजन चैनल चल रहा है और उसमें सुबह से लेकर शाम तक आध्यात्मिक कार्यक्रम आते हैं जो आपको प्योर कृष्ण कॉन्शियसनेस कृष्ण भावना में जोड़ते हैं सच्चा ज्ञान देते हैं गुरु परम्परा से आ रहे हैं और एक प्रमाणिक संप्रदाय के लोग इसे चला रहे हैं तो आपको श्रवण कीर्तन करने के लिए भगवान का कीर्तन दिखता है आरतियाँ दिखती हैं सारे मंदिरों का दर्शन दिखता है एक से एक प्रवचन करता आपको ग्रंथों से प्रमाणिक शास्त्रों से जो है ज्ञान देते हैं ताकि हम लोग भगवान से जुड़ सकें तो हमें और सुनने की और समझने की शक्ति चाहिए तो हमारा भी मन संतुष्ट नहीं होना चाहिए जब हम भगवान की भक्ति करें तो इस प्रकार अब उसे एक विशाल जलाशय में भी डाल दिया उसके बाद वो और बढ़ते गई और बढ़ते गए और उसके बाद बार बार उसने कहा कि मैं आपके आश्रय में हूँ मुझे अपना आश्रय दीजिए तो उसको बड़ी झील में डाला गया झील से उसको समुद्र में डाल दिया गया और समुद्र में डालने के बाद भी उसने कहा कि मुझे यहाँ जलचर खा जाएंगे अरे इतनी लंबी चौड़ी कि इसे समुद्र में डालना गया तो फिर फाइनली सत्यव्रत को लगा कि ये जो है ना कुछ गड़बड़ है उसने भगवान श्री हरि से प्रार्थना करी और कहा कि तुम साक्षात भगवान हो ने था ऐसी ऐसा रूप कौन बना सकता था उन्होंने कहा आप कौन हैं क्यों मुझे मोहित कर रही हैं मुझे बताइए तो इस प्रकार सैकड़ों मील अपना विस्तार करने के बाद नदी समुद्र से जला से आच्छादित उस पशु ने फिर बताया कि वो साक्षात भगवान हैं और इससे पहले जो हैं सत्यव्रत ने जो है प्रार्थना करनी शुरू कर दी कि आप भोक्ताओं में श्रेष्ठ भगवान विष्णु ही हैं मैं समझ गया हूँ और आप जैसे आप हम जैसे शरणागत भक्तों के गंतव्य हैं आप हमारी रक्षा करें मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ आपकी सारी लीलाएं तथा अवतार निश्चय ही समस्त जीवों का कल्याण करते हैं क्योंकि ये विशेष अवतार देखा मैंने तो आप जो हैं सबका फायदा ही करते हैं क्या प्रयोजन है आपका मैं ये जानना चाहता हूँ इस प्रकार की जो है बात उन्होंने भगवान के आगे रखी और फिर भगवान ने कहा हे hey, शत्रुओं के दमन करता हे राजन आज से सातवें दिन भू भवर स्व ये तीनों लोगों में बाढ़ अर्थात जल का स्तर बढ़ने लगेगा अब ये मछली कह रही है भगवान विष्णु कह रहे हैं कि सारा इसका सारा तीनों लोगों में जल ये बढ़ने लगेगा और बढ़ते बढ़ते क्या होगा कि सारा कुछ जलमय हो जाएगा और एक विशाल नाव तुम्हारे प्रक सामान्य प्रकट होगी ऐसी अवस्था में तुम्हें करना क्या है फिर तुम्हें सारी औषधियाँ सारे बीज और सप्त ऋषियों के साथ अन्य ऋषियों के साथ तुम्हें सारे के सारे जीवात्माओं के एक एक वो इन सब को लेकर उस नाव पर बैठना होगा और उसके बाद कुछ समय के बाद मैं जो हूं मछली के रूप में तुम्हारे सामने आऊंगा और तुम्हें एक चीज़ और करनी पड़ेगी वासुकी नाम का जो एक सर्प है उसकी तुम्हें रस्सी बनाकर मेरा जो एक सिंह है उस पर आपको बांधनी पड़ेगी और उसके बाद में तुम्हें इस संसार से इस पूरे के पूरे प्रलय में मैं आपकी रक्षा करूंगा इन सारे बीजों की रक्षा करूंगा इस प्रकार उन्होंने बात करी और फिर जिस तरह से बात जैसी समाप्त हुई और वो उनके सामने से सा अंतर्धान हो गए सत सत्यव्रत जो हैं तुरंत जो हैं बिना प्रतीक्षा किए ध्यान में बैठ गए और भगवान के मत से उतार कर ध्यान करने लगे और उस दिन की प्रतीक्षा करने लगे कि जब ऐसा होगा और जैसा जैसा भगवान ने बोला था वो समय आ गया और उन्होंने सभी वनस्पतियों को लताओं को एकत्रित किया सभी साधु ब्राह्मणों को इकट्ठा किया और नाव पर चढ़ा दिया क्योंकि सामने नाव आ गई थी पृथ्वी का स्तर बढ़ने लगा था और तभी वो आ गया उसके बाद तुरंत भगवान का ध्यान करने लगे और फिर भगवान मत्स्य रूप में वहाँ पर प्रकट हुए और एक लंबी चौड़ी मछली उनके सामने थी जो प्रलय सागर से एक सुनहरी मछली जो प्रकट हुई मछली का एक लंबा सिंग भी था और जो अस्सी लाख मील लंबी थी मछली और उस पर जो है उन्होंने बांध दिया किसको वासुकी सर्प को ये वासुकी सर्प वही है जिससे मंद्राचल पर्वत को कश्यप के ऊपर रखकर जो है मंथन किया गया था तो है ना तो इस प्रकार जो है ये घटना घटित हुई और फिर भगवान जो है उन्होंने सत्यव्रत को अब जो है जब सत्यव्रत ने देखा कि भगवान ने इस प्रकार की लीला करी है तो अब उन्होंने जो है बोलना शुरू किया कि इस संसार में सुखी बनने की आकांक्षा से मूर्ख सकाम कर्म बंध जाता है अब भगवान के सुंदर दिव्य रूप को देखकर ऊपर बैठे उन्होंने भगवान की स्तुति करना शुरू करी और कहा कि किस प्रकार सकाम कर में बंधा हुआ व्यक्ति किस तरह से मूर्खता करता है और उसको जीवन भर कष्ट भोगने पड़ते हैं और भगवान की सेवा की जो है वो बिल्कुल इच्छा नहीं करता और सबसे बड़ी बात कि उसको गुरु भी इसी प्रकार के मिलते हैं तो इस चर्चा में सत्यव्रत जो हैं बात करते हैं कि आप हे भगवान जब लोगों को सही प्रकार से गुरु नहीं मिलते और वो असत संग करते हैं जिनके साथ उनको भगवान की चर्चा नहीं मिलती तो इसलिए उनका जीवन अधम में गिर जाता है आज संसार में लोग इसी प्रकार हैं जो लोग नाना प्रकार के गुरुओं को धारण कर लेते जो प्रमाणिक नहीं है जो कृष्ण का ज्ञान नहीं देते दे, कृष्ण का मंत्र नहीं देते प्रमाणिक नहीं है तो लोग ऐसे ऐसे गुरुओं के जो जो क्या कहते हैं पूरी तरह से नए अपने आप ही सेल्फ मैनिफेस्टेड गुरु हैं ऐसे लोग शरण में चले जाते हैं और बाद में इनका जीवन भी बेकार हो जाता है क्योंकि गुरु का भी फायदा नहीं होता गुरु भी जो है नरकों में जाते हैं ऐसे और शिष्य भी नरकों में जाते हैं तो हमें चाहिए कि हम सही गुरु की शरण में जाए यहाँ पर उन्होंने कहा गुरु और गुरु हे भगवान आप तो गुरुओं के गुरु हैं वंदे जग वंदे, जग, वंदे जग, कृष्ण जगत गुरु तो इस प्रकार उन्होंने गुरु की महिमा को बताया और कहा कि उनके बगैर हम लोग अपनी इस संसार से बाहर नहीं निकल सकते ना तो सारे देवता ना तथा कथित गुरु और ना ही अन्य सारे लोग स्वतंत्र रूप से एक साथ भी अगर आ जाएं तो भी आपकी कृपा के दस हजारवें हिस्से के का किस बराबरी नहीं कर सकते इस प्रकार भगवान का गुणगान करना शुरू किया उन्होंने कहा जैसे एक अंधा है और दूसरे अंधे को रास्ता दिखा रहा है इस संसार में जिनको सही गुरु नहीं प्राप्त हुए वो इसी प्रकार हैं खुद तो अंधे ही हैं और दूसरे अंधे व्यक्ति से रास्ता पूछ रहे हैं इस प्रकार धूर्त और मूर्ख लोग लोगों को यहाँ पर बेवकूफ बनाते आ रहे हैं उन्होंने कहा इस प्रकार काफी प्रार्थनाएं करने के बाद फिर मत्स्य अवतार भगवान श्री विष्णु ने सत्यव्रत को कुछ कथाएं सुनाई उनको भी शिक्षा ज्ञान दिया उन्हें सांख्य योग की परिभाषा बताई और उसके बारे में ज्ञान दिया और भगवत भक्ति के विषय में बताया किस किस प्रकार भगवान ने बताया कि संसार जो है चौबीस तत्वों से बना हुआ है और ये किस प्रकार चौबीस तत्व जो हैं जो है आत्मा से अलग हैं और इनसे परे भगवान हैं हमें भौतिक पदार्थ और आध्यात्मिक पदार्थ में अंतर मालूम होना चाहिए मैटर एंड स्पिरिट का अंतर हमें मालूम होना चाहिए और इस प्रकार भगवत भक्ति जो है हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए ये सब ज्ञान मत्स्य अवतार ने दिया तो इस प्रकार जो है ये नाव जो है पूरे परले के समय ऊपर चलती रही चलती रही और उसके बाद भगवान ने जो हैं मत्स्य अवतार ने ये सारा ज्ञान देने के बाद अब प्रार्थना हुई और अब जो है भगवान ने क्या करा मत्स्य रूपी भगवान ने आत्मज्ञान ज्ञान पाकर सत्यव्रत ने जो है उनका जीवन धन्य हो गया और वे जीते जी जीवन मुक्त हो गए परलय शांत हो गई और उसके बाद भगवान ने हाइग्रीव को मत्स्य अवतार ने हाइग्रीव का वध करके वो सारे वेद फिर से ब्रह्मा जी को दे दिए ताकि ब्रह्मा जी उन वेदों को फिर से आप संसार में ज्ञान देने के लिए रख सकें तो हम देखते हैं इस अवतार में भगवान मत्स्य अवतार में भगवान ने किस प्रकार राजा सत्यव्रत जो कि सत्यव्रत जो थे वो चाक्षुषमंत्र के अंतिम के समय के भक्त थे जो कि यही बाद में सूर्य के राजा जो विवस्वान हैं उनके पुत्र श्राद्ध देव ने जो श्राद्ध देव हैं यही व्यवस्वत के नाम से मनु हैं सप्तम मनु और इस प्रकार ब्रह्मा जी को वेद देकर भगवान के मत्स्य अवतार का ये कार्यक्रम पूरा हुआ इस प्रकार मत्स्य अवतार लीला यहाँ पर हम इसका समापन करते हैं और फिर जयदेव गोस्वामी स्वामी जी द्वारा जो दस अवतार स्रोत्र लिखा गया उसमें एक है प्रलय पले तवेत्र चरित्र खेदम केशवधी मीन शरीरा जय जगदीश हरे जय जय जगदीश जगदीश हरे, जगदीश हरे। धन्यवाद हरे कृष्ण ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें सेवन ट्रिपल सिक्स एट थ्री नाइन एट थ्री नाइन